इसके आगे ये नहीं सोचना कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। ये आपको मालूम नहीं होता है ये मनुष्य शरीर कितना अमूलक है और ये बार बार नहीं मिलेगा। ये आपको किसी ने नहीं बताया कि इस मनुष्य शरीर का असली काम, असली उद्देश्य है, किस काम के लिए आपको यहाँ मृत्युलोक में ये दिया गया है। इसको सब लोग बस इस झगड़े झंझट में, खाने पीने में, उठने बैठने में, लड़ाई झगड़े में इसमें सब बिता देते हो। रात को भी वही संकल्प देखते हो और दिन को भी वही देखते हो। ना आपके हाथ में रात का पड़ेगा और ना आपके हाथ में दिन का पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए उसने आपको मालिक ने दिया और ये कहा कि देखो मेरा ये मनुष्य शरीर दिया हुआ ये साफ सुथरा है और तुम इसमें बैठकर अपनी जीवात्मा का कल्याण, अपनी जीवात्मा को भगवान के पास में पहुंचा दो। हमारे मकान को गंदा मत करना, मैं तुमको तो किराए पर देता हूँ, भाड़े पर थोड़े दिन के लिए, समय पूरा होते ही मैं आ जाऊँगा और तुमको मकान से बाहर निकाल कर और मैं अपना मकान ले लूँगा। उसने ये कहा मेरे मकान में गंदगी मत जमा करना। तो आपने उसके अमोलक मकान को जो आपको दिया गया है उसमें कूड़ा कचरा, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा आपने इसमें भर लिया। अब श्वासों की पूंजी खत्म हो रही है तो वो आने वाला है और सामने खड़ा हो गया कि मकान को खाली कर दो, अभी आप क्या करोगे? उसके सामने होश उड़ जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी, कान बंद हो जाएंगे, जवान आपके मतलब ये वो भी बंद हो जाएगी, बुद्धि जो है वो पागल हो जाएगी, कहेगा निकलो मकान, पहचानना भी बंद, सुनना भी बंद, बोलना भी बंद, समझना भी बंद और मनुष्य रूपी इस किराए के मकान से जीवात्मा को निकाल करके बाहर करेगा। फिर तुमको ले जाएगा और वहाँ पर हिसाब करेगा कि तुमने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया, उसी कर्म के आधार पर तुमको पशु में, पंछी में, कीड़ों में जाकर के बंद कर देगा। फिर यह मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। ये अमोलक उसने आपको ये निधि दी है, हमको ये चाहिए कि इसमें जीवात्मा बैठी उसको जगाया जाए। तो आप किसी से रास्ता पूछते नहीं हो, भाई किस रास्ते से भगवान देखा जाएगा, किस रास्ते से मिल जाएगा, कोई रास्ता है मनुष्य रूपी मंदिर में? तो सबके पास भगवान के पहुंचने का रास्ता मनुष्य रूपी मंदिर में, कहीं बाहर नहीं है कि तुम पूरब में जाओ, पश्चिम में जाओ, उत्तर में जाओ, तुम्हारे मनुष्य मकान में उसके पाने का, देखने का, दर्शन का और जीव को यानी मतलब यह है कि पार करने का इसी से रास्ता। तो तुम किसी जानकार के पास जाते हो, उससे पूछते कि भाई भगवान के मिलने का कोई रास्ता है, तो वो बता देता आपको और फिर कहता कि देखो ये रास्ता है, इससे चलो। तो देवी और देवता और भगवान और ब्रह्मा और विष्णु महादेव और ईश्वर और ब्रह्म सब मिल जाएंगे। तो आप तो दिन भर इस काम में लगे रहते हो, दिन गया धंधे में, रात गई तो हीरा जलम अमोल था कौड़ी बदले जाए। क्या आपने कर दिया मनुष्य शरीर पाकर? क्योंकि ये तो अमोलक मनुष्य शरीर है, सारे संसार की दौलत को एक जगह रख दिया जाए और इसकी आरती की जाए कि हमको फिर से मनुष्य शरीर ये खड़ा कर दो, दे दो, इसमें जीवात्मा को वापस ले आओ। तो ये धन दौलत नहीं कुछ कर सकता, ऐसा आपको सबको अमोलक मनुष्य शरीर दिया गया, चाहे किसी भी जात का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, अर्जन हो, मुसलमान, ईसाई हो, भगवान के पाने का सबको ये अवसर दिया। आप कहोगे हमको भगवान के पाने का अवसर नहीं मिला, तो इससे बढ़कर के और क्या मिलेगा? अब आपको इसमें बैठकर किसी महात्मा की खोज करना है जो भगवान को पा चुका, उसको अगर आपने पा लिया और उसके पास पहुंच गए तो भगवान के पाने की आपने इच्छा जगा देगा। और जब इच्छा जाग जाएगी तो आप कहोगे मुझे रास्ता बताइए, तो रास्ता देगा। फिर आप बैठ कर के मनुष्य रूपी इस मकान में फिर भजन करना, जब भजन करोगे तो तुम्हारी दिव्या ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुलेगा, उस नेत्र से भगवान
और देवी और देवता देखे जाते हैं। ये बाहर की जो चर्म आंखें, जो शरीर की आंखें, ये देवी देवता को, स्वर्ग और वैकुंठ को नहीं देख सकती हैं। जब तुम्हारी अंदर की आंख खुल जाएगी, वो उनको देखेगी, उससे मिलेगी और भगवान को देखेगी, तब बेड़ा पार, तब भवसागर से उतरोगे। ऐसे नहीं, मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखो, ये दोनों आंखों के बीचों बीच में सब मनुष्यों में ये जीवात्मा बैठी हुई है। इधर देखो आप, ये दोनों आंखों के बीचों बीच में, तो ये शरीर के नाके के ऊपर बैठी है, उधर में स्वर्ग का नाका, इधर मनुष्य शरीर का नाका। तो जो आपको यहाँ बैठाया था और आपने ये कहा था कि जिसको पकड़ के आए उसको छोड़ना नहीं, तो आप सुख सुविधा में लग गए और ये संसार के ये काम ये करने लगे, ये देखने लगे, सुनने लगे, और इन पर्दों को ये कहने लगे, ये मेरा है, ये बच्चा मेरा है, खेती मेरी है, पेड़ मेरा, और ये मेरा और ये मेरा। तो इस लोभ लालच में, मोह ममता में बस गए, तो अंदर में मैल जमा हो गया। तो अंदर की तुम्हारी जो जीवात्मा की आँख थी एक, वो तो हो गई बंद, अब देखना बंद हो गया और सुनना बंद हो गया। तो दो आगे तुम्हारी शरीर में और एक जीवात्मा में, तीन आँख हो गई। तीन तुम किताबों में देखो, उसमें लिखा हुआ है कि महात्माओं के पास जाओगे तब तीसरी आँख तुमको मिलेगी।